Hi everyone, so in this video I'm going to share some 5 to 6 recruitment notices, job notices for in the financial sector. Hi everyone, in this video I'm going to share 5 to 6 job vacancies, recent PFC job vacancies, you can say government job vacancies. So first one I'm sharing is IIM Amritsar. Okay, so isme number of position ek hi hai and job title hai. Just give me a minute. एडवाइजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड नंबर ऑफ पोजिशन एक ही है, ठीक है. एंड पोजिशन टाइप रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल. सो मेन इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू रीड आउट. बाकी आप इस नोटिस को वेबसाइट पे जाके रीड कर सकते हैं. एज लिमिट 45 ईयर्स है एंड इसमें ये जॉब फंक्शन डिस्क्राइब है. एंड यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो है दैट इज़ सी ए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हो, प्लस आपको टेली ई आर पी का नॉलेज होना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस उसमें मिनिमम 8 ईयर्स का चाहिए, जिसमें से कि 3 ईयर्स आपका एजुकेशन सेक्टर में हो. राइट, नीचे आते हैं. इसमें ये हो गया जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड इसके अलावा जो एप्लीकेशन है वो लास्ट डेट है सबमिट करने की 14th अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा. एंड जो फीस है अप्लाई करने की, नॉन रिफंडेबल फीस पे करनी है 1000 ऑल द कैंडिडेट्स. एंड गुड न्यूज़ इज़ दैट कि जो भी फीमेल कैंडिडेट्स है, फीमेल एप्लीकेंट्स है, उनको कोई फीस नहीं देनी, बल्कि SC ST उनके लिए 500 फीस रखी गई है. ठीक है, तो ये हो गया फीस की बात. एंड लास्ट डेट भी आपको मैंने बता दी 14 अक्टूबर. बाकी इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं या जो एलिजिबल है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं. सो मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देती हूँ कि लिंक कहाँ है शेयर करने का. देखिए, करियर सेक्शन में जाएंगे IIM अमृतसर, तो यहाँ पर आपको एक फैकल्टी है, एक नॉन टीचिंग पोस्ट दिखेगी. फैकल्टी में भी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है. नॉन टीचिंग में आपको दो दिख रहे हैं यहाँ पे, एडवाइजर IT एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा है एडवाइजर फाइनेंस एंड अकाउंट. यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा है ना, अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे. नेक्स्ट वैकेंसी जो मैं शेयर कर रही हूँ वो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में. ठीक है, ये UP में जॉब वैकेंसी निकली है, बिकॉज NFL का ऑफिस जो है वो नोएडा में है. ओके, सो इसमें एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए निकला है जॉब वैकेंसीज. ठीक है, RCFL में यहाँ पे आपको आपकी फाइनेंस के लिए जो पोजीशन है दैट इज़ हेयर अकाउंट्स ऑफिसर. ठीक है, जो पैकेज है E1 ग्रेड में है, पैकेज है 11.18 लाख FNA. एंड जो वैकेंसी है वो एक ही है, पोजीशन एक ही है. ओके, इसमें बात कर लेते हैं इसके लास्ट डेट की. पैकेज आपको पता चल गया एंड अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट ये आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे लिखा है सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड एट RCFL तेलंगाना. वहाँ पे ये पोस्ट किए जा सकते हैं तेलंगाना में. ठीक है, एंड दे मे बी पोस्टेड इन एनी यूनिट्स ऑफिसेज ऑफ RCFL एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, so, जो कैंडिडेट्स इंडिया में कहीं भी सर्व करने के लिए रेडी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं. मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस के लिए तो यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर के लिए CA एंड CM में, ठीक है, या MBA जो है वो भी कर सकते हैं अप्लाई. एंड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स, बजटिंग एंड टैक्सेशन के ऊपर. राइट, और यहाँ पे मिनिमम जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है 1 साल का एक्सपीरियंस हो. तो इसमें काफ़ी लोग आई थिंक अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी लोग इसमें फॉल करते होंगे. राइट, सो एज लिमिट तो आप चेक कर लीजिएगा. ठीक है, एंड उसके अलावा आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं डेफिनेटली. और भी कुछ कंडीशंस वगैरह इसमें मेंशन है वो आप पढ़ लीजिएगा. एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं. एप्लीकेशन फ़ीस जो है E1, जैसे कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस E1 ग्रेड का है, तो उसमें आपको 700 प्लस बैंक चार्जेस जो भी लगेंगे वो आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है, तो पूरी फीस पे करनी पड़ेगी. ओके, एंड इसमें अप्लाई कैसे करना है? डेफिनेटली आपने बहुत बार पहले भी इनका फॉर्म निकला है, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको. बट यहाँ पे आपको जो प्रिंट आउट है अलॉन्ग विद सम डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, आपको एप्लीकेशन भेजना होगा इस एड्रेस पे, इनका नोएडा वाले एड्रेस पे. तो ये दिक्कत हो गई, ऑनलाइन भी अप्लाई करो और फॉर्म भी सेंड करो इसको. सो यहाँ पे लास्ट डेट है 22 अक्टूबर. सो 22 अक्टूबर से पहले आपको सेंड करना पड़ेगा. राइट, और एक एप्लीकेंट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है. सो ये थी इनके बारे में डिटेल्स. ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले इसको पूरा. ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है SBI के साथ. ठीक है, स्पेशलिस्ट कैडरे ऑफिसर्स इन SBI ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस यूनिट. ठीक है, एप्लीकेशन की डेट जो है लास्ट वो है 18 अक्टूबर 2021. ठीक है, कुछ दिन बचे हैं. तो इसमें जो भी मैं वैकेंसी शेयर करती हूँ एज यू नो कि वो CS के लिए होती है. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो CA के लिए पोजीशन है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का है, एंड दूसरा है सेंट्रल रिसर्च प्रोडक्ट. लेट मी सम इट, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एंड सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड. ओके, सो नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए, यहाँ पे 12 एंड 2 है.
ठीक है, एंड पैकेज देखिए 12 से 18 लाख एंड 25 से 45 लाख। तो ये जो सेकेंड है ये ऑफ कोर्स इसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 ईयर्स का रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हायरिंग का प्रोसेस दे रखा है। सो यहाँ पे अब बात करते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट ऑफिसर में ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड प्रिफर्ड सी ए एंड सी एफ ए, ठीक है, एंड सर्टिफिकेशन बाय NISM ये प्रिफर्ड है। ओके, एंड यहाँ पे भी इस पोजीशन के लिए भी, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए भी आपको 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेंट्रल रिसर्च टीम लीड में MBA होना चाहिए या CA CFA चलेगा, ठीक है। एंड बाकी ये कुछ प्रेफरेंस दे रखी है, इसमें 5 ईयर्स का क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बट प्रिफर्ड है मिनिमम 8 ईयर्स का इन इक्विटी फिक्स इनकम रिसर्च, ये कुछ कंडीशन दे रखी हैं। ओके, एंड बाकी सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट में भी कुछ ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स का ग्रेजुएट या फाइनेंस ग्रेजुएट्स, ठीक है। सो मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस वहाँ ज़रूरत है। तो ये है SBI के रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में, और बाकी आप जॉब प्रोफाइल यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आपका रोल क्या होगा। ओके, एंड एप्लीकेशन फ़ीस होगी इसमें डेफिनेटली। सो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अगेन सारे फॉर्म्स ऑनलाइन होते हैं SBI, एंड SBI तो फ्री कभी हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फीस है, यहाँ पे 750 रुपीज़ आपको पे करना होगा, ठीक है, फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स एंड नो फीस इंटीमेशन चार्जेस फॉर SC ST एंड PW कैंडिडेट्स। तो SC एंड ST वाले के लिए फ्री है, एंड 750 रुपीज़ नॉर्मल फीस है, आपको पे करनी पड़ेगी। ओके, सो ये था SBI के बारे में। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है असम कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट ऑफ डिफरेंट पोजिशन फॉर सेटिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU फॉर JICA फंडेड असम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। डोंट माइंड माई वर्ड्स बिकॉज यू नो मैंने ब्रेसेस लगा रखे हैं अपने। सो गवर्नमेंट ऑफ असम में ये जॉब वैकेंसी है, इसमें पे जो है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंस स्पेशलिस्ट में 1 पोस्ट है, ठीक है, LD अकाउंट्स में 1 पोस्ट है, ठीक है। एंड आपको ये डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपको फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म नीचे है, इसमें कहीं डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इनके ऑफिस भेजना होगा, जो कि असम वाला ऑफिस एड्रेस है, ऑन और बिफोर 11th of October। सो आज की जो डेट है 11th, वो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की, ठीक है। लास्ट डेट के बाद जो एप्लीकेशन मिलेगा वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। ओके, बाकी इसमें देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन एंड रेम्यूनरेशन रेंज क्या है। सो देखिए फाइनेंस स्पेशलिस्ट में MCOM CA ICWA एंड मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 60,000 to 90,000 के बीच का रेंज दे रखा है इन्होंने, रेम्यूनरेशन रेंज। यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ जॉब के बारे में लिखा है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे एक और था फाइनेंस का, LDA अकाउंट्स, तो ये ग्रेजुएट्स इन कॉमर्स एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड उनके लिए जो रेम्यूनरेशन रेंज है दैट इज़ 25,000 to 30,000, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स मेंशन है, वो आप पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। सो ये देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म नीचे मेंशन है, एंड इसमें फीस है या नहीं, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो ये जॉब वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, यहाँ पे मेंशन है ये 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है ये। ओके, सो DME असम में ये वैकेंसी निकल रखी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं असम के कैंडिडेट से तो कर सकते हैं। एंड आई थिंक मैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देख पा रही हूँ, सो मे बी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस ना हो, आप वो चेक कर लीजिएगा प्लीज़। सो नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये है MSU बड़ौदा में, सो जो वैकेंसी है ये है द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा, शायद जॉब पोजिशन भी यही है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी है, एंड ये भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रोल है फॉर 11 मंथ्स, एंड इसकी जो लास्ट डेट है दैट इज, जस्ट गिव मी अ मिनट, द लास्ट डेट है दैट इज 12 अक्टूबर, ठीक है, 5:30, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है, इसमें आई थिंक आपको मैनुअली भेजने की फॉर्म ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जॉब रोल के बारे में। तो देखिए एसोसिएट फाइनेंस में निकली है ये वैकेंसी, इसमें थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, एंड यहाँ पे चाहिए इनको PG CA CS या ICWA विद प्रेफरेंस फॉर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग अकाउंट, जिनको एक्सपीरियंस होगा उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी, बट यहाँ जो रेम्यूनरेशन है वो काफ़ी कम है, दैट इज़ 25,000 मेंशन हियर। सो
आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो ये एसोसिएट फाइनेंस के बारे में बता दिया मैंने आपको, यही एक इसमें है एंड 11 मंथ्स का कॉन्ट्रेक्चुअल है ये आई हैव टोल्ड यू। एंड इसमें आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी भी देनी पड़ेगी, फॉर्म फी इज़ 400 रुपीज़ एंड 200 फॉर SC ST कैंडिडेट्स। ठीक है, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड। ठीक है, अगर अप्लाई करना है तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन है। 12 अक्टूबर लास्ट डेट है, राइट। एनसी जो है वो है CDAC थिरुवनंतपुरम में निकली है। ठीक है, ये जो है ये है प्रोजेक्ट ऑफिसर एंड प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी एंड ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब रोल है, राइट। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सर्च कर लीजिएगा CDAC के नाम से। तो यहाँ पे देखिए मैंने वेबसाइट पे ही एप्लीकेशन ओपन कर दिया है। सो यहाँ पे जो पोजीशन है वो है प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनेंस एंड दूसरी है प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ फाइनेंस। पहले वाले में 2 वैकेंसी हैं, दूसरे में 1, बट सैलरी जो है वो बहुत ही कम है, 26,500। एज लिमिट 30 है, नीचे वाले के लिए 28। सो नीचे वाले के लिए सैलरी तो और भी कम है, 12,300 रुपये। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पोस्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनेंस है उसमें CA एंड CS चाहिए या MBA या फिर PG जिन्होंने कर रखा है। ठीक है, एंड 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं और कंसोलिडेटेड पे इन्होंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ जो रेंज है इन द पे रेंज 26,500 से लेके 2,20,000 तक वेरी कर सकता है। एंड मिनिमम CTC इन्होंने कर दिया है मेंशन कि 3,76,000 मिनिमम CTC होगा अप्रॉक्स, बाकी डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस इन ऑल कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। ओके, एंड प्रोजेक्ट सपोर्ट फाइनेंस के लिए सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए विद 50% मार्क्स एंड 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन कर दिया एंड सैलरी भी इन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बता ही दिया। एंड बात करते हैं इसमें कि एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह तो नहीं है कुछ, तो पहले लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। सो लास्ट डेट है 29 अक्टूबर, आपको अप्लाई करना है 29 अक्टूबर से पहले। ठीक है, एंड देखिए इसमें थोड़ा सा फ़ीस भी है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। सो प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आपको 590 रुपीज़ फ़ीस पे करना पड़ेगा फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 295 रुपीज़ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। सो फीस फीमेल के लिए तो नॉमिनल है, तो ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट आई डोंट नो रेम्यूनरेशन कितनों को सूट करेगा ये, राइट। सो ये है, बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, इन केस यू आर फाउंड योरसेल्फ एलिजिबल फॉर दिस, राइट। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको, ठीक है, तो अप्लाई कर लीजिएगा ऑनलाइन इन केस यू आर एलिजिबल। एंड इसी के साथ मेरा ये वीडियो कम्प्लीट होता है। मैंने आपके साथ शेयर करी है आज इस वीडियो में 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, जिसमें से आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड नोटिस को आप वेबसाइट पे जाकर ज़रूर रीड कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है, सो दैट कि आप जो भी फीस पे करें वो आपका वेस्ट ना जाए। ओके,